सबसे पहले हम देखेंगे दिफेंस और और में. में में. इन दोनों जैसे आप देख सकते हो तो अब देखते हैं कि है क्या डिफेंस इज नाउन इट इज यूज टू रेफर टू द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग और डिफेंडिंग समथिंग या फिर द लीगल प्ली ऑफ अ पर्सन ऑन ट्रायल फॉर अ क्राइम या फिर स्पोर्ट पोजिशन तो और जो एसई वाला डिफेंस है वो यूएस इंग्लिश में यूज होता है फॉर एग्जाम्पल लर्निंग सेल्फ डिफेंस एसई या सीई कोई सा भी चलेगा इज एसेंशियल फॉर पर्सनल सेफ्टी जैसे जो आर्मी होती है उसके लिए डिफेंस बजट होता है अब उसमें आप एसई या सीई यूज करो एक ही बात है डिपेंड्स की आप कौन से पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हो यूएस या यूके सिमिलरली जैसे हमारा ये वाला मीनिंग था कि प्रिवेंट एन ओपोनेंट फ्रॉम स्कोरिंग उसमें आप बास्केटबॉल का एग्जाम्पल ले सकते हो कि बास्केटबॉल में जो डिफेंस पोजिशन होती है या फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लो उसमें जो डिफेंस पोजिशन होती है उसमें भी आप एसई सी ई तो दोनों में से कोई सा भी डिफेंस यूज कर सकते हो नेक्स्ट है हमारा इमिग्रेट और इमिग्रेट एक ई एम वाला इमिग्रेट एक आई IM एम वाला इमिग्रेट पहले हम देखते हैं ई एम वाले इमिग्रेट का मीनिंग क्या होता है इमिग्रेट मीन्स टू लीव अ प्लेस अ कंट्री ऑफ ओरिजिन टू सेटल इन अनदर लोकेशन इमिग्रेट मीन्स टू लीव अ प्लेस फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इमिग्रेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स अब इमिग्रेट क्या होता है आई एम वाला इमिग्रेट मीन टू सेटल इन अ कंट्री वेर यू आर नॉट बोर्न ई एम वाले में क्या होता है प्लेस टू सेटल इनदर लोकेशन आई एम में क्या होता है टू सेटल इन अ कंट्री वेर यू आर नॉट बोर्न फॉर एग्जाम्पल राहुल इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट एट अंग एज कैनेडा इमिग्रेशन सुना होगा आपने कैनेडा इमिग्रेशन क्या होता है कि हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं टू सेटल इन कैनेडा जहाँ पे हम बॉर्न नहीं हुए क्योंकि हम बॉर्न इंडिया में हुए अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखें जैसे कि आप देख सकते हो इमीग्रेट ई एम वाले में ई आता है तो आप इसको एसोसिएट कर सकते हो एग्जिट से कि हम लीव कर रहे हैं वो जगह किसी और कंट्री में सेटल होने के लिए सिमिलरली इन आ, इ, आई वाला इमिग्रेट में आई आता है तो जिसको आप एसोसिएट कर सकते हो इन से तो हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं सेटल होने के लिए वहां पे जहां पे हम बॉर्न नहीं हुए ओके okay, इजी हो गया नेक्स्ट हमारा वर्ड है ई e जी या फिर आई ई -E. या आपने बहुत बार यूज किया होगा मे बी इंटेंशनली मे बी अनशनली बस लिख दिया होगा बट अब इसका मीनिंग देखेंगे क्या होता है ई e जी जो होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म है लैटिन फ्रेज का विच मीन्स फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल या फिर सिंपली फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलती हूँ ना फॉर एग्जाम्पल वैसा वाला फॉर एग्जाम्पल की जगह जब हम लिखेंगे तो हम ई e जी लिख सकते हैं जैसे

इनकी बहुत सिंपल है ईजी में आप ई e को एग्जाम्पल से कर सकते हो रिलेट और आईई में आई को इन अदर वर्ड से ओके ई जी में ई e को एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल आई ई में आई को इन अदर वर्ड नेक्स्ट है हमारा एम्पथी या फिर सिम्पथी पहले हम देखेंगे एम्पथी का मीनिंग एम्पथी इज अ टर्म वी यूज फॉर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग एज इफ वी हैविंग देम फॉर एग्जाम्पल ही हैज टोटल लैक ऑफ एम्पति फॉर एनी वो किसी की फीलिंग समझ ही नहीं पाता सिंपथी अब क्या होता है सिंपथी रेफर्स टू द एबिलिटी टू टेक पार्ट इन समन एल्स इज फीलिंग मोस्टली बाय फीलिंग सोरो अबाउट देयर मिसफॉर्च्यून कैसे टेक पार्ट करते हो आप किसी और की फीलिंग में मोस्टली बाय फीलिंग सॉरी या फिर सॉरोफुल फॉर देर मिसफॉर्चून फॉर एग्जाम्पल आई हैव नो सिंपथी फॉर हिम मतलब मुझे उसके लिए कोई दया ही नहीं है जैसे अब इस पिक्चर में देखो एम्पथी में वो दिखा रहा है कि दोनों सैड मतलब वो अंडरस्टैंड कर रहा है एज इफ वो खुद भी वही फील कर रहा है लेकिन सिंपथी में वो सिर्फ समझ पा रहा है उसके लिए सॉरी फील कर रहा है एक्चुअली वो वैसा सेम नहीं फील कर रहा तो दोनों में डिफरेंस ये आई होप अब क्लियर हो गया होगा अब clear तो हो गया। ट्रिक क्या है इनको remember करने की। जैसे अभी हमने last two words में क्या? इसमें भी जो first letter है e, empathy का, उसको आप एसोसिएट कर सकते हो ओके एज इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग अदर्स फीलिंग आर सेल्व एक्सपी एम्पेथी का ई एक्सपीरियंस से एसोसिएट कर लो और सिंपथी का एस कर लो एसोसिएट आप आप सपोर्ट से कि आप उसको सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो उसके मिसफॉर्चून में लेकिन आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो जो वो फील कर रहे फार्दर okay? और फर्दर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फार्दर रेफर टू फिजिकल डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल रोज कैन रन फार्दर देन चेल्सी रोज चेल्सी से ज्यादा दूर तक भाग सकती है फर्दर रेफर्स टू मेटाफोरिकल डिस्टेंस मतलब नॉट रियल डिस्टेंस मेटाफोरिकल डिस्टेंस चेल्सी इज फर्दर अवे फ्रॉम फिनिशिंग हर प्रोजेक्ट देन रोज फिनिशिंग हर प्रोजेक्ट में एक्चुअल डिस्टेंस तो यूज नहीं होगा मेटाफोरिकल डिस्टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो फर्दर में लिखा है शी ड वॉन्ट एनीथिंग फर्दर टू डू विद यू अब further में further में डू विद यू एक्चुअल डिस्टेंस तो यूज़ नहीं होगा में यूज हो है और में, उसका घर और ज्यादा दूर है जितना मुझे लगा था वहां पे आप एक्चुअल डिस्टेंस की बात कर रहे हो इसलिए यूज हुआ okay? अब इसको इन दोनों में डिफरेंस रिमेम्बर करने की क्या ट्रिक है फार्दर इट तो आप उसको एक्चुअल डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हो फार एक्चुअल डिस्टेंस फर्दर में आता है यू डिफरेंस यू यू और ए का ही है तो जो फर्दर में यू आता है उसको आप रिलेट कर लो अनरियल से क्योंकि अनरियल मेटाफोरिकल डिस्टेंस यूज होता है यहाँ पे फर्दर का मीनिंग में मेटाफोरिकल डिस्टेंस यूज होता है तो फर्दर का जो यू है उसको आप अनरियल से एसोसिएट करके ऐसे याद रख सकते हो अब हमारे वर्ड्स हैं फ्लॉन्ट या फिर फ्लाउट दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है फ्लॉन्ट या फिर फ्लाउट अब फ्लॉन्ट का मीनिंग मे बी आपको पता हो फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना फॉर एग्जाम्पल शॉन फ्लॉन्ट इज इज स्टाइलिश न्यू आउटफिट शॉन अपने कपड़े शो ऑफ कर रहा था अब फ्लाउट का मतलब क्या होता है फ्लाउट मीन्स टू डिफाई स्पेशली इन अ वेट शोज मॉकली फॉर एग्जाम्पल मेनी मोटरसाइकिलस्ट फ्लाउट द लॉ बाय नॉट वियरिंग हेलमेट बहुत सारे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग लॉ का मजाक उड़ाते हैं हेलमेट ना पहन के अब जैसे ये पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो कि जो लेडी है वो अपनी एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट कर रही है तो वो फ्लॉन्ट कर रही है एफ एल ए एन टी लेकिन इस इमेज में जो ये दो लोग हैं ये रूल को तोड़ रहे हैं डिफाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्वारंटीन और ये फिर भी बाहर जा रहे हैं तो ये लॉ को या रूल को फ्लाउट कर रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रख सकते हो आप फ्लॉन्ट में आता है आंट अब हमारे सारे रिलेटिव ले शो ऑफ तो करती हैं तो आप उसे ऐसे याद रख सकते हो कि जो फ्लॉन्ट जिसमें आंट आता है उसका मतलब होता है शो ऑफ करना अब फ्लाउट को कैसे याद रखें फ्लाउट का मतलब होता है आउट तो आप इसको कैसे कर सकते हो आउट ऑफ ऑर्डर आउट ऑफ लॉ ऐसे करके कि वो लॉ या रूल का मजाक उड़ा रहे आउट रूल करना ओके okay? नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं गैफ और गैफ दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है एक में ई आता है एक में ई नहीं आता अब जिसमें ई नहीं आता है उसका मीनिंग क्या होता है इट इज अ टाइप ऑफ स्पेयर और हुक विद अ लॉन्ग हैंडल फॉर एग्जाम्पल अ गैफ क्योंकि वो जो हुक होता है वो फिशिंग में यूज हो सकता है यूज होता है मोस्टली ऐसा दिखता है ये एक गैफ है विदाउट एन ई वाला अब ई वाले का मीनिंग क्या होता है इट इज अस्टेक और सोशल मिस्टेप या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो कि कोई अन इंटेंशनल एक्ट या रिमार्क जिससे एम्बेसमेंट हुआ जिसने वो किया जिसने वो एक्ट किया उसको एम्बेरसमेंट हुई एक ब्लंडर सॉर्ट ऑफ फॉर एग्जाम्पल राधा मेड अ गैफ वेन शी एक्सीडेंटली कॉल्ड कबीर बाय रॉन्ग नेम फॉर एग्जाम्पल इस फोटो में नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया सबके सामने तो ये गैफ हो गया विद इन ई वाला गैफ अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे रिमेम्बर करें क्योंकि दोनों की प्रोनाउंसिएशन है सिर्फ एक ई e का डिफरेंस है और मीनिंग दोनों के बिल्कुल अलग है इस डिफरेंस को याद रखने के लिए आप जो ई e है उसको एरर से एसोसिएट कर सकते हो ये एसोसिएट कर सकते हो आप एरर से क्योंकि इसका मीनिंग बेसिकली यही होता है मिस्टेक या एरर या ब्लंडर तो गैफ जिसमें ई e आता है वो हो गया एरर से रिलेटेड और विदाउट ई e वाला हुक हो गया आई होप अभी इजी हो गया होगा नेक्स्ट हमारा वर्ड बहुत सिंपल है ग्रे और ग्रे इसमें भी दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है सिर्फ ए और ई e का डिफरेंस अब हम ये देखेंगे इन दोनों में एक्चुअली कोई डिफरेंस है कि नहीं ग्रे आपको क्या पता है क्या होता है कलर होता है ग्रे है ना अब ई e और ए क्यों है जो ए वाला होता है ग्रे वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है और ई e वाला जो होता है ग्रे वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है बहुत सिंपल है दोनों में डिफरेंस ए और ई e से मीनिंग चेंज नहीं होता है सिर्फ जिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज होता है वो चेंज होता है जिसमें ए आता है वो अमेरिकन इंग्लिश और जिसमें ई e आता है वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल अरमान स्टार्टेड टू ग्रे ई या वाला ग्रे लॉन्ग बिफोर ही रिटायर्ड जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो यहाँ पे अगर ई भी होता तो भी ये ही मतलब होता ग्रे कलर वाला कलर नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल ज्यादातर लोगों को ये दोनों सेम लगते हैं बट ये होते नहीं है अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है हिस्टोरिक मीन्स समथिंग मोमेंटस और इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री अब आप तो बोलोगे हिस्टोरिकल भी यही होता है अभी हम आते हैं उस पर कि डिफरेंस कैसे होता है हिस्टोरिक का आपने पता चल गया डिस्क्राइब समथिंग मोमेंटस और इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल इट वॉज हिस्टोरिक मोमेंट वेन नील आमस्ट्रग स्टेप ऑन टू द मूव अब हिस्टोरिकल क्या होता है हिस्टोरिकल सिंपली डिस्क्राइब समथिंग दैट बिलोंग्स टू एन अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री थोड़ा समझ आया डिफरेंस हिस्टोरिक एक मोमेंटस और इम्पोर्टेंट चीज को डिस्क्राइब करता है हिस्ट्री की लेकिन हिस्टोरिकल सिंपली डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज को जो अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री की है फॉर एग्जाम्पल वी यूज अस्टोरिकल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आर ओन टाउन या फिर रेड फोर्ट जो होता है वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है क्योंकि वो एक अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री को बिलोंग करता है आई होप अब क्लियर होगा दोनों में डिफरेंस हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस है हिस्टोरिक मोमेंटस और इम्पोर्टेंट चीज को डिस्क्राइब करता है हिस्ट्री की हिस्टोरिकल सिंपली किसी भी चीज को डिस्क्राइब करता है जो बिलोंग करती है अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री को अब इन दोनों में डिफरेंस याद कैसे रखें जो हिस्टोरिकल का एयल है उसको आप एसोसिएट कर सकते हो ऑल अदर से क्योंकि हिस्टोरिक में समथिंग कुछ मोमेंटस या इंपॉर्टेंट आ रहा है बाकी सो बाकी जो चीजें हैं वो हिस्टोरिकल में आ रही है तो इम्पोर्टेंट चीजों के लिए हिस्टोरिक जिसमें ए एल नहीं आता या फिर ऑल नहीं आ रहा और बाकी चीजों के लिए हिस्टोरिकल जिसमें ए एल आ रहा है जिसको हम एसोसिएट कर रहे हैं ऑल अदर से नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्लाय और इन्फर सोचने में लग रहा होगा डिफिकल्ट बट हम इसको ईजी करेंगे इम्प्लाय का मतलब होता है टू सजेस्ट और से समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे कुछ सजेस्ट करना इनडायरेक्ट वे में फॉर एग्जाम्पल रिया इम्प्लाइड जेस वॉज इन ट्रबल बट शी टेल हर वाय उसने उसको बताया नहीं वो क्यों ट्रबल में है, लेकिन उसने उसको हिंट किया कि वो ट्रबल में बेसिकली इज अ वर्ब इट इज अ वर्ब दैट मींस टू हिंट एट समथिंग इज डन बाय द स्पीकर जो बोलने वाला बंदा होता है वो एम्प्लाय कर रहा होता है या फिर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है फॉर एग्जाम्पल आर यू एम्प्लाइंग दैट आई लाइड या दूसरा एग्जांपल हमने कर लिया रिया इंप्लाइड दैट जेस इन ट्रैवल बट शी वुडंट टेल हर अब इस पिक्चर में जो एग्जांपल है वो ये आई थिंक दैट ही लुक्ड अ लिटिल टू सैड इसमें वो इंप्लाई कर रही है हिंट दे रही है कि शायद वो सैड था इन्फर का मतलब क्या होता है इन्फर मींस टू सपोज और कम टू अ कंक्लूजन स्पेशली बेस्ड ऑन एन इनडायरेक्ट सजेशन एक कंक्लूजन पे आना इनडायरेक्ट सजेशन के थ्रू इन्फर भी एक वर्ब होता है लेकिन इस वर्ब का मीनिंग ये होता है टू मेक एन एजुकेटेड गेस मतलब आप गेस कर रहे हो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है उससे फॉर एग्जाम्पल जैस इन्फर्ड दैट रिया वॉज नर्वस अबाउट समथिंग जैसने किसी को बोला तो नहीं उसके सामने जो चीजें दिख रही थी उससे उसने इन्फर किया कि रिया नर्वस है एग्जाम्पल ये भी आप फोटो में लिख सकते हो जैसे आप देख रहे हो कि आई हैव नो चा उसने ये देख के ये देख के उसने इन्फर किया कि उसका कोई चांस नहीं है। तो इन्फर किया। लिस्टनर इन्फर जिसने इन्फॉर्मेशन टेक इन करी है उसने इन्फॉर्मेशन क्या टेक इन करी ये कि वो दोनों खुश दिख रहे हैं. तो उसने इन्फर किया कि मेरा कोई चांस नहीं है उसके साथ Okay. I hope a busy oga. Hope you can now unconfuse these confusing words. That's all for this session. We will have more confusing words in the next session. Thank you.